बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिजनेस टॉक्स विद एमके में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तों आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको शेड के हवाले से इंफॉर्मेशन देंगे। इस शेड पे टोटल कितना खर्चा आया, इन्वेस्टमेंट कितनी आई और ये कितनी कनाल पर मुश्तमिल है, और इसके अलावा ये डिज़ाइन कहाँ से लिया, डिज़ाइन का रेट क्या था, इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये कितने बछड़ों के लिए फार्म बनाया गया है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात आपके लिए लेते हैं। उससे पहले जो भाई चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के निशान को लाजमी दबाएँ ताकि जब भी हम बिज़नेस के रिलेटेड वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भाई मोहम्मद अब्बास तकरीबन 3-4 माह पहले ये शेड की इन्होंने प्लानिंग की थी। प्लानिंग करने के बाद ये तैयार किया और अभी इन्होंने तकरीबन 200+ बछड़ा इसमें डाला है। तो अभी इनकी और भी ख्वाहिश है, उनसे मालूमात लेंगे शेड के हवाले से भी और नक्शे के भी पूछेंगे, इसके बाद टोटल लागत भी पूछेंगे। दोबारा मैं बता रहा हूँ, तो उनसे मालूमात लेते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इस वीडियो से। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप यानी कि खुद इंजीनियर हैं? खुद इंजीनियर हैं जी। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है भाई, अल्लाह आपको इससे भी ज्यादा तरक्कियां अता फरमाए, आमीन। अच्छा, नौ कनाल पर मुश्तमल जो नक्शा आपने बनाया, कितने फुट लंबा है ये शेड जो बछड़ों के लिए? ये 180 फुट लंबा है, 36 फुट चौड़ा है। 180 फुट लंबा जी और चौड़ा कितना? 36 फुट जी। 36। इसकी असल वजह क्या है? क्योंकि गर्मियों में आपको मशरक मगर के साहब लगाया आपने, आपने जी जी मेरे भाई ने जी जी, तो इससे कोई मसला मसायल है? मसला मसाइल तो कुछ है, गर्मियों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी हमें, तो वो देखेंगे। मतलब अगर कुछ आ गया तरपाल वगैरह करनी पड़े तो, क्योंकि वो सूरज का सिस्टम है थोड़ा। अच्छा अच्छा जी, धूप अंदर ना आए, तरपाल सर्दियों में भी पंखे वगैरह लगा देंगे ऊपर। अच्छा, तो सर्दियों में तो सुना तो यही है, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब तो बछड़ों के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर पड़ी तो फिर देखेंगे मतलब क्या। अच्छा, मैं अपने भाई से जानना चाहूँगा, आपने लेंटर क्यों डाला? लेंटर मतलब अगर आपने परमानेंट काम करना है तो फिर ये जो मजबूत काम है तो ये इसीलिए हम इसकी तरफ आए हैं। और इसकी कास्ट जो है ना वो सेम ही है, मतलब दूसरे टीन के जो हमारे शेड लोहे वाला जो जी जी। अच्छा, और मैं अपने भाई से ये जानना, और इसके अलावा हमारा जो वो दूसरा प्लानिंग है, मतलब ऊपर हमने ना मुर्गियों का शेड तैयार करना है तो इसीलिए ये लेंटर डाला है। अच्छा प्यारे भाई, अल्लाह को कामयाबी अता फरमाए, जो आपने ये पैप लगाए जी, लेंटर डाला और चार दीवारी की नीचे भी आपने टफ टायर लगाई, टफ टायर लगाई, आपने अंदाज़ा लगाया कितना खर्चा आया? अंदाज़ा तकरीबन 1.5 करोड़ तक हमारा जो है ना वो खर्चा आ गया। 1.5 करोड़ तक आपका खर्चा माशाल्लाह आ चुका है, तो 1.5 करोड़ आपने इतना माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट की है जी। तो जो ये आपने ज़मीन है ये आपकी? ये हमारी 22 जमीन है। 22 जमीन है, तो इसके ऊपर आपने कैमरे वगैरह भी लगाए हुए हैं? जी, कैमरे लगाया सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ये ऑनलाइन सिस्टम है? ऑनलाइन सिस्टम, हम बाहर बैठे होते हैं तो वहाँ से देखते रहते हैं। मतलब जो आपका भाई इधर है जी, तो वो हैंडल नहीं कर सकते? वो करते हैंडल, वैसे ही हम तो देखते हैं, मतलब अपने शौक के लिए, हमने शौक के लिए ये फार्म बनाया तो। अच्छा, शौक के लिए उधर बैठे बैठाए आप खुद शौक पूरा भी कर रहे हैं? शौक पूरा कर रहे हैं। हमारे बछड़े किधर जा रहे हैं, किधर नहीं, भाई क्या कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे, लेबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये तो बहुत मजे की बात है। मेन जो है ना वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाए हैं। ये तो अच्छी बात है, ये तो माशाल्लाह मैंने देखा है, और चारों तरफ आपने माशाल्लाह तार वगैरह भी लगाई है जी। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पैपों वाले बात आपने किसने मशवरा दिया, जो पैप लगाए कौन से पैप लगाएंगे तो ये बछड़े इधर से उधर नहीं जाएंगे? नहीं, एक्चुअली ये भी समय लेके आपकी वीडियो देख के किया है हम लोगों ने। अच्छा। क्योंकि अगर आप प्रॉपर ग्रुपिंग करते हो ना बछड़ों की, मतलब जो वेट के हिसाब से, तो वो फिर आपको इजी रहता है, मतलब इनकी ट्रैकिंग जो है। तो चार हिस्सों में हमने लोगों ने पार्टीशन किया है। आपने पार्टीशन बनाई है? पार्टीशने बनाई है। मेरा अब मैं आप सोच चुका हूँ, आप तो मतलब ये कि बारी बारी से बछड़े आपके सेल होते जाएंगे। जी जी जी, इधर एक चैन जो जाएगा, दूसरा चैन आ जाएगा, दूसरा चैन आ जाएगा इसी तरह। तो इस तरह आपने ये काम करना चाहते हैं? जी जी जी। तो मतलब एक बार ही नहीं कि ये सारे एक बार सेल कर दो, सारे एक बार आ जाए, फिर वो परचेज करना भी मुश्किल है और सेल करना भी मुश्किल है। तो जो मतलब जो तैयार होते हैं उनको सेल कर दो, नए लेके आ जाओ, वो ग्रुप इस तरह के से हम बना रहे हैं। मैंने आपसे सवाल ये नहीं किया था, जो आपने सेलेक्टर हाउस से बात की थी? अभी तक नहीं की, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट है ना अभी, तो अभी बात नहीं हुई। अच्छा, मैं आता हूँ, ये जो आपने शेड जो खुलियाँ बनाई है जी, ये कितने फुट लंबी और कितनी चौड़ी है?
ये जो है ना 2 फुट चौड़ी है, जी 1 फुट जो गहरी है, और उसके बाद वो बीच में गैलरी आ जाती है, फिर आगे जो है गैलरी बनाने का क्या मकसद आया? गैलरी मतलब फीड वगैरह डालनी होती है तो वो बंदा इजी रहता है बीच में से गुजरना और सब कुछ, इसीलिए। ठीक है सर, तो फैट जो पैप हम ये डाला हुआ है, जी जी, ये कितना मोटा है? ये तो पता नहीं अभी कितना है, ये 3 इंच है शायद, या 2 इंच है। तो कितने रुपए का? ये हम कट्ठा ही ले गए थे लाहौर से, तो ये न्यू लेकर आए थे या फिर आपने पुराना खरीदा है? नहीं, ये पुराना खरीदा है। तो एक तकरीबन कितने पैप अप लेकर आए? ये तकरीबन 5-6 लाख का आया था सारा, जितना पूरे फार्म के अंदर लगा। टोटल जो आपने इन्वेस्टमेंट, टोटल जो खर्चा किया, जी जी, आप 1.5 करोड़ तकरीबन लग गया। जी माशाल्लाह, जिस तरह ये शेड ऊपर आपने, ये एकोमोडेशन मतलब लेबर के लिए बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा। क्योंकि अगर हम इनको प्रॉपर फैसिलिटेट करेंगे तो ये भी हमें कुछ देंगे। मैंने ये सोचा था कि ये अपने लिए ऊपर जो दूसरी, नहीं नहीं नहीं, ये सारी जो है ना हमने ये लेबर के लिए एकोमोडेशन बनाई, लेबर के लिए। एक एक कमरा बनाया अपने लिए, मतलब जब अगर हम रात को इधर रुकते हैं कोई भी बंदा हमारा तो वो रह सके। अच्छा सर, फिर आप ये खुद हैंडल कर सकते हैं? जी। तो आपने कैमरे लगाने का मकसद ही क्या है जो अगर इधर फिर आपने रुकना है? नहीं, बंदे नहीं है ना हमारे, अपना काम है, अपना काम में टाइम देना चाहिए। लेकिन ये अगर बाइक कभी इधर रुक जाता है, कभी घर चला जाता है, तो फिर एक रूम रेडी किया इधर अपने लिए। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बंडल ऑफ थैंक्स। तो दोस्तों चेक कर लें, माशाल्लाह आपके सामने ये फार्म है। तो इन्होंने ये अभी आपके सामने नज़र आ रहा है फ़िल्टर लगाया हुआ है, फ़िल्टर पर पानी सप्लाई कर रहे हैं बछड़ों को स्पेशल। इन्होंने कोई बंदे का आज तक मेरे ख्याल में फ़िल्टर नहीं किसी ने लगवाया, लेकिन इन्होंने फ़िल्टर स्पेशल बछड़ों के लिए लगाया ताकि जो बछड़े पानी पिए उनसे इनको उनकी सेहत अच्छी रहे, वो ग्रोथ करें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फार्म, इसके अलावा फार्म बनाया 1.5 करोड़ लागत इन पर आई है। तो चेक कर लें, एक से बढ़कर एक चीज़ आपको नज़र आएगी बिल्कुल सफाई के साथ। ये देख लें, नीचे इन्होंने टफ टाइल लगाई है, ऊपर उन्होंने रेत डाली हुई है ताकि बछड़े स्लिप ना हो। तो इसके अलावा कोई भाई इन्फॉर्मेशन इसे हवाले से लेना चाहता और मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो आप रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको डिज़ाइनिंग के हवाले से बताएंगे और उसके अलावा आपको मुकम्मल इगा करेंगे किस तरह शेड बनाया जाता है, और टोटल आप लो कॉस्ट में भी आप शेड बेहतरीन तैयार कर सकते हैं। अभी इन्होंने तो लेंटर डाला, इसीलिए का खर्चा बढ़ गया था। तो मज़ीद दोस्तों, अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद हो और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए स्पेशल बिज़नेस के हवाले से और शेड के हवाले से इंफॉर्मेशन लाएँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। मिलते हैं इस तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।